जी, तो बाजीगर कौन? हमने ये नाम बदल दिया है, अभी तक हम प्रतिष्ठा पर प्रश्न, साख पर दांव, तमाम बातें हो रही थी, अब बाजीगर कौन है? कौन जीती बाजी हारेगा? कौन हारी बाजी जीतेगा? ये अब दो बड़े सवाल हैं। हारेगा कौन, बाजीगर कौन? योगी आदित्यनाथ जी क्या दोनों सीटें बीजेपी को जितवाने में कामयाब रहेंगे, या अपने गठजोड़ पॉलिटिक्स से अखिलेश यादव सेंधमारी कर पाएंगे? तो बाजीगर कौन, ये बड़ा सवाल है। और जो बड़ी खबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रही आपके सामने। बड़ी खबर यह है कि गोरखपुर में बीजेपी और फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। गोरखपुर में बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र दत्त शुक्ला आगे चल रहे हैं और फूलपुर में नागेंद्र सिंह पटेल वो आगे चल रहे हैं। 3,300 वोटों से गोरखपुर में बीजेपी को बढ़त है, जबकि 3,071 वोटों से पीछे चल रही है फूलपुर में। तो फूलपुर में बीजेपी पीछे है, गोरखपुर में बीजेपी आगे चल रही है, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे बड़ी परीक्षा की सबसे बड़ी कवरेज हिंदी खबर पर पूरे भरोसे के साथ। गोरखपुर में बीजेपी और फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। पहले राउंड के बाद समाजवादी पार्टी को मिले हैं फूलपुर में वोट 12,383, बीजेपी को 9,906, अतीक अहमद को 2,570 और कांग्रेस पार्टी को केवल 400 के आसपास। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो गोरखपुर और फूलपुर उपचुनावों की मतगणना लगातार हो रही है और इस मतगणना में सबसे बड़ी परीक्षा के सबसे बड़ी कवरेज जो है सिर्फ हिंदी खबर पर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में बीजेपी आगे है, फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र शुक्ला आगे हैं, जबकि फूलपुर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समर्थित उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपके सामने। जी, तो उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा, ये अपने आप में खबर। देखिए, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामों के बीच वो मतगणना का काम संचालित किया जा रहा है। सबसे बड़ी परीक्षा की सबसे बड़ी कवरेज पूरे भरोसे और पूरे विश्वास के साथ। सोशल मीडिया पर इस वक्त 40 लाख से ज्यादा जो दर्शक हैं वो हिंदी खबर को देख रहे हैं, अलग अलग मोबाइल एप्स, OTT प्लेटफॉर्म्स पर। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो दर्शक हैं वो स्लिंग टीवी, SLING स्लिंग टीवी के जरिए हमको देख रहे हैं और लगातार हमको रिएक्शंस भी दे रहे हैं। जी आइए, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं नए सिरे से। देखते हैं कौन कौन हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजीव मिश्रा जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। केसी जैन साहब हैं, वकील हैं, दोस्त हैं हमारे, आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और प्रमोद गोस्वामी अभी नहीं हैं, चाय पीने गए, उसके बाद जुड़ेंगे। और AK मिश्रा हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक सलाहकार हैं, हमारे नोएडा स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई केसी जैन साहब, आवाज़ तो मुस्कुरा दीजिए। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, गोरखपुर में आप पिछड़ रहे हैं, फूलपुर में आप आगे चल रहे हैं, अब EVM मशीन के बारे में सवाल कैसे उठाएंगे बाबूजी? नहीं नहीं, देखिए EVM मशीन पे जो सवाल उठा था तो उस पर ऐसा नहीं कि EVM मशीन पे सिर्फ समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया। हाँ, EVM मशीन पे इसके पहले भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा चुकी है। हाँ, और लालकेश आडवाणी जी ने भी सवाल उठाया था EVM पे। तो EVM मशीन का दुरुपयोग हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन आज का जो चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन इलेक्शन था उस दिन तमाम सारे बूथों पे बता दिया गया मशीन खराब है, और उसमें भी कहीं ना कहीं जो पार्शियलिटी हुई है वो दिखाई दे रही है। जिस दिन मतगणना थी उस दिन तमाम सारी सीटों पे यह हुआ कि EVM खराब हो गई। EVM कब खराब हुई? 2 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 3 बजे के बाद। कुल मिलाकर के इनका एक
जिस तरीके से ये था कि भाई बूथ पे हम हार रहे हैं तो ईवीएम खराब बता करके बाकी वोटिंग रोक दी जाए, खास करके जहां जहां पे मुस्लिम वोटर थे वहां वहां पे ईवीएम मशीन को खराब बता दिया गया। हमने इसको फेसबुक पे भी डाला था, ट्विटर पे भी डाला था। जब ये हुआ कि इतना कम वोटिंग परसेंटेज आया है, हमने उसी दिन डाला था कि कम वोटिंग परसेंटेज के बाद में भी दोनों सीटें भाजपा जीत सकती है, क्योंकि वहां पे वोटिंग नहीं करने दिया गया और तमाम जगहों शिकायतें आई लगातार कि वोटिंग नहीं करने दिया गया, लेकिन फिर भी जनता ने हमारा साथ दिया है और पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे प्रदेश में भाजपा विरोधी बिल्कुल लहर चल रही है। जनता देख रही है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो ये जनता का समर्थन है। और अभी जरूर हम पिछड़े हुए हैं गोरखपुर में, लेकिन गोरखपुर की भी सीट हम जीतेंगे। अरे दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, अंतर भले ही कम ज्यादा हो, कितना भी कम अंतर हो, लेकिन दोनों सीटें समाजवादी पार्टी दोनों जगहों से जीत रही है। जैन साहब, मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि सर आप जाग जाइए, टाइम काफी हो गया, 11-10 बजे से ज्यादा का टाइम हो गया, आप जाग जाइए। सर आप कह रहे हैं पूरे देश से बीजेपी की लहर खत्म हो गई, पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है। सर त्रिपुरा में 3 दिन में रह के आया मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। हमने 1 महीने पहले कह दिया कि तुम सीएम बनोगे, बने वो सीएम, जनता का इतना बड़ा समर्थन मिला पूर्वोत्तर राज्यों से लेके क्या नॉर्थ, क्या क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, सभी जगह बीजेपी सरकार बना रही है। लेंस लेके ढूंढेंगे तो यूपी में आपकी अदना कुछ एक सीटें मिल रही हैं। आप कह रहे हो बीजेपी का जादू खत्म हो रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए अग्रवाल जी, कि आगे आगे ये कमल खिला रहे हैं और पीछे पीछे पूरा की पूरा सूखता जा रहा है। आप देखिए जहां जहां पे उपचुनाव हुए, राजस्थान में उपचुनाव हुए, क्या रिजल्ट आया। अरे उपचुनाव की बात करते हो, स्टेट आप हारते जा रहे हो, जहां पे पूरे पूरे स्टेट आप हार रहे हो, आप उपचुनावों के नतीजों से खुश हो तो खुश होते रहो फिर। नहीं हार, अरे ये बताइए, 2 सीटें पा करके अगर ये आपने जो 3 राज्यों का बताया, अभी 1 राज्य में 2 सीटें पाते हैं और 2 सीटें पा करके सरकार बनाते हैं और मीडिया भी पीठ थपथपाती है कि नहीं भाई वहां तो बीजेपी की सरकार है। अगर 100 क्विंटल की मूर्ति हो और उसमें 100 क्विंटल सोने की मूर्ति हो और 2 क्विंटल उसमें लोहा हो तो उसको लोहे की मूर्ति कहेंगे, सोने की मूर्ति कहेंगे? वहां पे तो यही स्थिति है और 2 सीटें पाकर के सरकार बना रहे। राजीव मिश्रा, आपको ये कह रहा नहीं, राजीव मिश्रा बताइए भाई, ये लोहे की मूर्ति है सोने की मूर्ति है? इनको फर्क नहीं दिख रहा है, चश्मा जरा कायदे से लगा ले पावर वाला। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी है, योगी आदित्यनाथ ने मेहनत की है, 1 साल का रिजल्ट आप देखिएगा निश्चित। ये दोनों सीटों पे हम लोग रुझान देख रहे हैं, थोड़ा सा रुझान देख ले उसके बाद देखिएगा। ये हम लोग ने बूथ मैनेजमेंट किया, निश्चित हम बता रहे हैं दोनों सीटों पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी विजय का पताका फहराएगी। और जिस तरह से हमने काम किया, जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया, जिस तरह से हमने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, जिस तरह से जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता गए, निश्चित हम सफलता मिलेगी। पहले भी केशव मौर्या लड़ रहे थे 2014 में, थोड़ा वो भी पीछे चल रहे थे लेकिन बाद में वो बहुत आगे गए। निश्चित एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्म भूमि है और निश्चित उस कर्म भूमि पे हम दोनों सीटें जीत के आएंगे। अच्छा ए के मिश्रा साहब, इन दावों में दम कितना है? जैसे नवजोत सिंह सिद्धू जो पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में हैं, जब वो कमेंट्री किया करते थे, हम लोग क्रिकेट मैच देखा करते थे, मैं क्रिकेट खेलता भी था, नेशनल लेवल पे खेला हूँ, स्कूल और इंटर इंस्टीट्यूट, हमने देखा है कि सिद्धू एक बात कहते थे हमेशा से कि इस अपील में, फला गेंदबाज की अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम। इन दोनों नेताओं की अपीलों में कितना उत्साह और कितना विश्वास दिख रहा है सर आपको? यहाँ उत्साह और विश्वास दोनों ही चीजें नहीं है, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में देखिए बड़ा फर्क होता है। अतुल जी मैं ज्यादा नहीं, 11 तारीख को तो आप कहीं बाहर थे, लेकिन 11 तारीख को दिन भर चर्चा वोटिंग के दिन इसी चीज पे हुई थी, जैन साहब थे, मिश्रा जी भी थे, सारी एनालिसिस हुई थी और आपके टीवी चैनल ने जो दिखाया वो सामने आ रहा है। अच्छा दूसरी चीज, ये पॉलिटिशियंस लोग हैं, हारने के बाद भी अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे जी हम ही जीते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा रीजन निकाल लेंगे कि जी उस वक्त तो ब्राह्मणों का जो है हमें 3% मिला था, आपकी बार 4% मिल गया, तो ये भी एक जीत का फंडा है भाई, उस मोर्चे पे तो हम जीत गए।
तो ये देखिए, ये इनकी कुछ एक राजनीतिक मजबूरियां होती है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं और अपने राजनीतिक मित्रों को भी बताना चाहता हूं, फर्क समझिए सर। नेशनल इलेक्शन, स्टेट लेवल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में फर्क ये होता है कि प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन अगर आपको जो मिलता है, जहां मतदाता बिना किसी आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस, जैसे टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस या जुमलेबाजी का इन्फ्लुएंस या वादों का या कोई चेंज का इन्फ्लुएंस, बिना उस इन्फ्लुएंस से प्रभावित हुए अपने दिल की बात को सोच के वोट देता है, वो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन या ग्राम प्रधान के इलेक्शन या लोकल इलेक्शन। लेकिन बहुत रेयर है। नहीं नहीं, बहुत रेयर है ये, ठीक है। यहाँ पे सारे डायनामिक्स वही काम करेंगे जो लोकल कैंडिडेट्स ने अपना काम किया है, अपनी इमेज बनाई हुई है। हाँ। भाई कांग्रेस का कौन सा आला कमान या बीजेपी का कौन सा आला कमान आकर के यहाँ पे इलेक्शन वो कर रहा है कि पूरी हवा बदल दी जाएगी। तो हवा बदलने की कोशिश नहीं होती है, यहाँ ग्राउंड लेवल पे जो आपने काम किया है उसका रिजल्ट वो आता है। बीजेपी के लिए मैं बोलूंगा सर, अगर ग्राउंड लेवल पे आपने इतना काम किया है तो आप एक नेता वहां से नहीं ढूंढ पाए, आप चुनार से ले आ रहे हैं पटेल जी को, और चुनार से लाए भी तो पटेल जी को लाए। एक और बड़ी खबर आ गई है, फेसबुक पे लगातार हमसे कमेंट मांगे जा रहे हैं। एक राम गोपाल यादव कह रहे हैं भैया गोरखपुर के बारे में जानकारी दीजिए। तो फूलपुर में पहले राउंड के बाद समाजवादी पार्टी को मिले 12,383 वोट, समाजवादी पार्टी को फूलपुर में मिले 12,383, बीजेपी पिछड़ रही है 9,906 वोट बीजेपी को मिले फूलपुर में, कांग्रेस पार्टी को 4,115 वोट मिले हैं, केवल 4,115 वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को, जबकि 2,570 वोट इंडिपेंडेंट अतीक अहमद को मिले। यानी कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो निर्दलीय अतीक अहमद से भी ज्यादा गया गुजरा हो गया है जी। ये बड़ी खबर है, मिश्रा जी इस खबर को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ने जहां पर नेहरू जी ने तीन तीन बार जो है वो जीते हैं, अभी तक टोटल जो वहां पर 18 बार जो चुनाव हुए अभी तक, उसमें 11 बार कांग्रेस पार्टी जीती, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का ये हाल कि सैकड़ों में बात हो रही है। बताओ। नहीं अतुल जी देखिए, मैं आपको बताऊं, ट्रेडिशनल वे में फूलपुर और इलाहाबाद तो वैसे भी गढ़ है, सारे प्राइम मिनिस्टर वहीं से निकले हैं। फूलपुर तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। हाँ। और जब तक कांग्रेस सत्ता में रही तब तक फूलपुर से केवल यही जीतते रहे हैं, कांग्रेस जीतते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर सीट वो थी, मतलब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की वो सीट थी। हाँ। लेकिन घर का चिराग ही घर में आग लगाता है, तो नेहरू जी की जो परंपरा थी, जो कांग्रेस की परंपरा थी, अब कांग्रेसी लोगों में पॉलिटिक्स करने का मुझे लगता है उतनी क्षमता नहीं है कि अपनी इंपॉर्टेंट सीट को इन्होंने, देखिए सपा बसपा ने छीन लिया, पहले सपा ने छीना, अब ये सपा की ट्रेडिशनल सीट थी, 2014 में सपा ने जो है, सपा ये सीट हार गई, उसको बीजेपी ने जीत लिया। तो फूलपुर और इलाहाबाद के आसपास की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत उम्दा किस्म की पॉलिटिक्स होती है। बीजेपी की मदद कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में? नहीं राहुल, देखिए अब ये ठीक है मीडिया में ये सब चीजें चल रहा है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से मैं नहीं बोलूंगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं बीजेपी की मजबूती क्या है, आपकी कमजोरी आपके दुश्मन की मजबूती बन जाती है। बीजेपी अगर इतनी मजबूत आज हो रही है तो उसके पीछे पहले नेचुरल वे में आप एनालिसिस करिए, ऐसे कौन से नेचुरल फैक्टर है। आसाम में बीजेपी जीती तो 10-15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, अभी त्रिपुरा में भी जीती तो 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ये एंटी इनकम्बेंसी और विपक्ष के जो राजनेता है उनकी पॉलिटिकल समझ जब कम होती है, वो अंदरूनी लड़ाई होती है, अपनी स्ट्रेटजी ठीक से बना नहीं। एंटी इनकम्बेंसी तो गुजरात में भी थी, कांग्रेस ना मणिशंकर अय्यर आत्मघाती अय्यर बन गए। तो ये कांग्रेस की कमजोरी हुई और एंटी इनकम्बेंसी का असर बीजेपी के ऊपर भी पड़ा, तभी तो वो 140-145 सीट का टारगेट लेने के बाद केवल 97 पे आए। खैर जीत गए, जो जीता वही सिकंदर। एक वोट से भी जीत अगर आप करते हो तो आपको फायदे वही मिलेंगे, सरकार आपकी बनेगी, पावर आपके हाथ में रहेगी। लेकिन नेचुरल फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी, आपको कमजोर या मजबूत बनाने में। एक खास बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी को कैसे मैनेज किया जाए, बीजेपी को छोड़ के मुझे लगता है कोई पार्टी अभी तक इस पे सोचती भी नहीं है जी। इस फैक्टर को ध्यान भी नहीं देती है। घर के भीतर के झगड़े इतने ज्यादा हैं, चचा भतीजे झगड़ रहे हैं, माँ बेटे के बीच में कहीं ना कहीं बात हो रही है। हाँ। भाई सीनियर नेता जूनियर नेता के बारे में बात हो रही है, बूढ़े नौजवान नेताओं के बारे में बात हो रही है। इस देश में राजनीति जो है अगर सही मायने में कोई कर रहा है, अश्वमेध घोड़ा दौड़ा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ही है, बाकी दल तो दलदल बने हुए हैं। नहीं मानना पड़ेगा ना, मानना इस, देखिए 2014 मैं बार बार बोलता हूं, 2014 के बाद से दशा और दिशा भारतीय राजनीति के डायनामिक्स टोटल बदल गए हैं, और ये बदलने का काम बीजेपी ने किया है। अब वो रीजन चाहे, देखिए बीजेपी ने कैसे बदला, बीजेपी की यूएसपी कहां से निखर करके आई है। हाँ। एक इलेक्शन को जीतने के लिए
पर सुन लीजिए ना जैन साहब, एक इलेक्शन इलेक्शन इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उससे टफेस्ट एग्जाम इलेक्शन होता है, इतने डायनामिक्स हैं उसको समझना। बीजेपी ने बड़े माइक्रो लेवल पे बहुत पहले से तैयारी की, हर उन चीजों को अपने लिए यूज किया बहुत अच्छे तरीके से, एज ए स्ट्रेटजिक टूल्स एंड टेक्निक या एज ए स्ट्रेटजिक वीपन की तरह यूज किया। इन्होंने सोशल मीडिया को यूज किया। राजनेता या राजनीति का मतलब है कि आप अपनी बात को अच्छे तरीके से वोटरों तक पहुंचाइए और उनको कन्विंस कर दीजिए, जो बीजेपी ने किया। विपक्षी दल ये सोच रहे हैं, उनकी मानसिकता अभी भी यही है कि अरे भैया राजा तो हम ही थे, हमारा खानदान राजा था और हम ही है, हम ही रहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर दर्शकों के सामने। बड़ी खबर क्या है? फूलपुर में दूसरे राउंड में भी समाजवादी पार्टी की जो बढ़त है वो बढ़त जारी है। हालांकि ये बढ़त कम हुई है, अब ये बढ़त केवल 1000 वोटों तक महदूद रह गई है। गोरखपुर में बीजेपी, फूलपुर में सपा आगे है। और गोरखपुर और फूलपुर उपचुनावों के जो नतीजे हैं उन नतीजों तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं आपके सामने रहा? और बीजेपी की नीतियों रीतियों पर पूरा विश्वास दोनों जगह की जनता, न केवल दोनों जगह की जनता ही बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता और पहले से अधिक हम पर विश्वास व्यक्त करेगी। जिस तरह से सर अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं फूलपुर की सीट पे, आपको लगता है कि केशव मौर्य जी की सीट है, लोकप्रियता पे कहीं ना कहीं कोई संकट है? नहीं, बीजेपी में व्यक्ति कहां चलता है, आप इसको व्यक्ति से मत जोड़े। बीजेपी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है और इस पार्टी में सब लोग मिलकर एक दूसरे का पूरक बनकर काम करते हैं। पूरी पार्टी हर जगह एक साथ एकजुटता के साथ में काम करती है। यहाँ किसी जगह को किसी विशेष व्यक्ति विशेष से जोड़ना उचित नहीं है। तो गोरखपुर में इस वक्त क्या चल रहा है, फेसबुक पर लगातार हमसे पूछा जा रहा है। विनय कुमार यादव हैं, ये गोरखपुर के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गोरखपुर का बताइए भैया क्या चल रहा है। तमाम लोग गोरखपुर के बारे में, जी सपा नेता सूरज यादव कह रहे हैं गोरखपुर में जो है वो मतगणना रोक दी गई है, ये फेसबुक पे लिख रहे हैं, ये हमारे आधिकारिक सोर्सेस के द्वारा दी गई खबर नहीं है। गोरखपुर में इस वक्त उपेंद्र दत्त शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। तो गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तकरीबन 3000 से ज्यादा वोटों से, और फूलपुर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समर्थित उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल आगे चल रहे हैं 1000 वोटों से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फूलपुर संसदीय क्षेत्र में दूसरे दौर की मतगणना वो हो चुकी है और उसके बाद नागेंद्र सिंह पटेल जो सपा और बसपा के समर्थित उम्मीदवार हैं वो 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि उपेंद्र दत्त शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से उम्मीदवार हैं वो दूसरे दौर की काउंटिंग के बाद 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जी मिश्रा जी, ये वाले नहीं, हमारे वाले नोएडा वाले नहीं, लखनऊ वाले मिश्रा जी, क्योंकि जैसे ही मिश्रा जी मैंने कहा तो हमारे वाले मिश्रा जी ने पोजीशन ले ली, वो तुरंत टारगेट को लेके बंदूक निकाल के पोजीशन ले लेते। तो रहना पड़ेगा ना सर, आप चूक गया तो आपकी सरकार गई। गोरखपुर में, जरा गोरखपुर सही लिखिए भाई, गोरखपुर में बीजेपी और फूलपुर में सपा आगे चल रही है। मात्रात्मक गलतियां आज होने की संभावनाएं हैं, भूल चूक लेनी देनी, क्योंकि बहुत तेजी तेजी से काम किया जा रहा है तो टाइपिंग जो मिस्टेक्स हैं वो हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी परीक्षा की सबसे बड़ी कवरेज, फूलपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल 1000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर में चौथे राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना के रखी है, उपेंद्र दत्त शुक्ला आगे चल रहे हैं। फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे, तो गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मिश्रा जी यानी राजीव मिश्रा जी लखनऊ वाले भैया, ये बताइए अगर एक सीट आप जीते और एक सीट आपने गवा दी, फूलपुर गवा दी और गोरखपुर आप जीत गए, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को निजी तौर पे ये बड़े झटके के तौर पे देखा जाएगा? और ये कहा जा रहा था, जैसे लोग कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य अभी भी मुख्यमंत्री जी को हजम नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो योगी जी का रास्ता निष्कंटक हो जाएगा क्या? अतुल जी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अब आई, आवाज नहीं आ रही है, अभी आई सर। हेलो, अच्छा आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज सही कीजिए फटाफट।
जी हेलो, यही सवाल मैं, ठीक है, यही सवाल मैं नोएडा वाले मिश्रा जी आपसे करता हूँ। नहीं देखिए अतुल जी, दो तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्पिटिशन होता है, बाहर एक दूसरी पार्टियों में, और विद इन पार्टी भी कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन होता है। पार्टियों में भी आपस में होड़ लगी रहती है कि हम आगे बढ़े हम आगे बढ़े, और ये सिचुएशन हर जगह हर पार्टी में होती है। आपने देखा समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और उनके जो सुपुत्र हैं अखिलेश यादव में ही कॉम्पिटिशन हो गया कि कौन बनेगा पार्टी का हेड, कौन होगा या मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो यहां पर भी आपका यह कहना सही है। और डेफिनेटली देखिए, अगर मान लीजिए हार जाते हैं, फूलपुर अगर हार जाए, तो सीधे सीधे ये जो डेंट लगेगा वो ये लगेगा केशव प्रसाद मौर्य जी के अपनी रणनीतिक क्षमता के ऊपर ये डेंट लगेगा। और इसका राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। 3000 से वो तो गोरखपुर में भी आगे हो जाएंगे, अगर कोई बाजीगरी ना हुई तो दोनों जगह बढ़िया हो जाएगा। बाजीगरी का क्या मतलब है? वो आप सब जानते हो। दूसरा, सर, जो बसपा का समर्थन आपको मिला है उसका उससे बहुत उसका है, उसके बसपा के लोगों ने बहुत ईमानदारी से, कार्यकर्ताओं ने और मजबूती से काम किया, मैं उन्हें सबको बधाई देता हूँ। क्या भविष्य का संकेत ये आगे का? राम गोपाल यादव कह रहे हैं अगर कोई बाजीगरी ना हो जाए, और हमारे कार्यक्रम का नाम ही कौन है कि बाजीगर कौन। अब देखिए बाजीगरी ना हो जाए राम गोपाल यादव कह रहे हैं, और हम जनता से 10 बजे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया बाजीगर कौन। तब देखना है कि बाजीगर असली कौन है, अखिलेश यादव हैं या योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन राम गोपाल ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बहुत मेहनत की, जमीनी तौर पर बहुत काम किया। और जब संवाददाता ने उनसे पूछा कि क्या ये भविष्य का संकेत है, तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आगे की बात आगे। राजीव मिश्रा जी, अगर आप लोग फूलपुर में चुनाव हार गए तो सपा और बसपा को जीतने का मंत्र मिल जाएगा बीजेपी के खिलाफ, और आपका अश्वमेध घोड़ा ये सपा और बसपा के लोग मिलके पकड़ेंगे। इसको कांग्रेस भी समर्थन देगी, मुसलमान वोटर भी इनके साथ जुड़ेगा, ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर आपको। तो बाजीगरी दिखाओ भैया। देखिए अतुल जी, आपको एक चीज बता दें, ये उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है, निश्चित आपको बता रहा हूँ, मोदी जी का कार्यकाल है, ये अभी रुझान आप देख रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर जीतेगी और बड़ी अंतराल से जीतेगी, अंतराल भी बढ़ेगा, ये चीज निश्चित आपको बता रहा हूँ अतुल जी। और जिस तरह से इन्होंने डील करी, सपा बसपा ने डील करी कि राज्यसभा में हमको दे दीजिए और विधान परिषद में आपको हम दे देंगे, ये तो डील है, 22 करोड़ की जनता ने देखा। ये डील तो आपने तोड़ दी सर, नरेश अग्रवाल को पार्टी में लेकर, नितिन अग्रवाल को पार्टी में लेकर आपने इस डील को तो ठेंगा दिखा दिया। अब बहुजन समाज पार्टी का हाथी तो राज्यसभा भी नहीं पहुंच पा रहा सर, आपने खेल कर दिया। देखिए निश्चित आपको, देखिए एक चीज आपको बता दे, जिस तरह से इन्होंने डील की थी वो जनता ने देखी, और निश्चित आपको बता रहा हूँ ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली। अभी तो आपने रुझान देखा, पहला दूसरा राउंड हुआ, निश्चित आपको कई राउंड होने हैं और निश्चित भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी। और एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ आप अतुल जी, आपने भी देखा होगा जिस तरह से इन्वेस्टर मीट हुई, और इन्वेस्टर मीट में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बुलाया। विनय कुमार यादव कह रहे हैं भैया गोरखपुर में कितने वोटों से बीजेपी आगे है, तो 5000 वोटों से बीजेपी आगे है। विनय कुमार यादव जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि 5000 वोटों से बीजेपी आगे है। अतर हुसैन खान कहते हैं कि 3200, तो खान साहब अपना ये आंकड़ा सही कर लीजिए, 3200 से आगे थी, अभी 5000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है गोरखपुर में, और फूलपुर में 1100 यानी 1100 वोटों से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थित उम्मीदवार। तो ये अपडेट है, गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि फूलपुर में नागेंद्र सिंह पटेल जो सपा बसपा समर्थित उम्मीदवार हैं वो 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। और फूलपुर में दूसरे दौर की काउंटिंग जारी है, और गोरखपुर में चौथे दौर की काउंटिंग चल रही है, ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। केसी जैन साहब, फूलपुर ज्यादा आसान आपके लिए या गोरखपुर? देखिए अभी तक की जो मतगणना है, मतगणना तो ये दिखा रही है कि एक सीट तो हम बिल्कुल जीत ही रहे हैं, और दूसरी सीट पे अभी रुझान आ रहे हैं, पहले चरण दूसरे चरण के रुझान है। और हमने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से जनता को वहां पे, आम जनता को चुनाव में वोट डालने से रोका गया और बताया गया ईवीएम खराब है,
ऐसे में जहां पर खास करके मुस्लिम वोटर था उन उन जगहों पे उन बूथों पे बिल्कुल वोट नहीं डालने दिया गया। उसी का ये परिणाम रहा कि इतना वोट कम परसेंटेज, हमें लगता है पहली बार इतना कम वोट परसेंटेज हुआ है। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वोट परसेंटेज क्या था, जो लोकसभा के इसके पहले हुए थे उसमें क्या वोट परसेंटेज था, और उसके बाद में इस तरीके से 40% पे आके रुक जाना, तो ये बहुत आश्चर्यजनक आंकड़ा है। और ये बता रहा है कि किस तरीके से लोगों को वोट डालने से सीधे सीधे रोका गया, तो इसका प्रभाव दिख सकता है। लेकिन अंततः जनता समाजवादी पार्टी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी अभी जिस तरीके से बता रहे थे काम किया, कौन सा काम किया, इन्वेस्टर्स मीट में तो ये समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे थे, इन्वेस्टर्स मीट में जगह जगह दिखा रहे थे कि भाई जो काम हुआ है आप देखिए, जो जनेश्वर पार्क है सबसे बड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में है, सबसे अच्छी सड़क यहाँ पर है आगरा एक्सप्रेस वे, सबसे बढ़िया मेट्रो हम यहाँ पे बना रहे हैं जो अखिलेश यादव जी ने दिया। तो जो काम समाजवादी पार्टी ने किए उन्हीं को इनके विज्ञापन में लगातार दिखाए जा रहे थे कि इन्वेस्टर्स मीट में कैसे आकर्षित करें, तो काम तो समाजवादी पार्टी ने किया। ये गड्ढे भी नहीं भर पाए रोड के, हमने तो तमाम सारे ओवरब्रिज बना दिए जिससे कि जाम ना लगे और लोगों को राहत मिले, इन्होंने कोई काम नहीं किया। और कह रहे हमने काम किया ना रोजगार दिया। गोरखपुर में क्या हुआ, गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरते हैं, और उसके बाद में एक बार ये कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से मरे, फिर कहते हैं अन्य कोई कारण था, फिर कहते हैं किसी और अन्य पार्टी की साजिश थी। इस तरीके के शर्मिंदगी पूर्ण बयान अगर आएंगे तो क्या होगा जी। तो ये कुछ भी हो, काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं है मिश्रा जी, जनता को वोट डालने से रोकने का इन्होंने जरूर काम किया है। और चुनाव जीतने के लिए बात ज्यादा करते हैं, काम चुनाव जीतने के लिए जरूर सारे काम करते हैं लोग, ये कहते हैं हम बूथ पे मेहनत की, बिल्कुल मेहनत करते हैं। नहीं नहीं देखिए, ये जो कोई भी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे जो हो, वो इनकी एक फिलॉसफी है कि आप कुछ भी कर दीजिए ये अपोजिशन की तारीफ कभी नहीं करेंगे, दूसरे पार्टियों की तारीफ। मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, काम सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जिनको जो समझ में आया वो किया। क्वेश्चन और डिबेट इंडिया में इस टॉपिक पे होना चाहिए कि जितना टाइम आपने लिया, जितना रिसोर्सेस था, उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस और डिलीवरी क्या है। ये एग्जाम्पल आप ऐसा पकड़िए कि एक लड़के को आपने अपने लड़के को ट्यूशन लगाया, बेस्ट स्कूल में भेजा, हाँ। और आपने टारगेट ये किया कि केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, लाइव हैं, एक मिनट। लोकसभा के इस उपचुनाव में हम फूलपुर भी जीतेंगे, गोरखपुर भी जीतेंगे। जो अभी दो चरण की मतगणना पूरी हुई थी उसमें लगभग 2000 से सपा के प्रत्याशी जो हैं वो आगे हो गए थे, लेकिन अभी 30 राउंड से अधिक की गणना बाकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं चूंकि उस क्षेत्र को अच्छी तरीके से जानता हूं और जो मेरे समझ में है, जो मैं आकलन किया हूं, जो वहां पर मतदान हुआ है उसके आधार पर हम अभी भी आश्वस्त हैं कि हम 1,00,000 से अधिक वोटों से विजयी होंगे और दोनों सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में। ये जो इतना नेट अभी जो चल रहा है उसमें बहुत कम मार्जिन अंतर नजर आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा अंतर इसलिए कम नजर आ रहा है कि जिस पॉकेट को अभी खोला गया है, जहाँ पर अभी मतगणना शुरू हुई है, वह पॉकेट निश्चित तौर से सपा के प्रभाव वाला, और जो लोकसभा के सपा के प्रत्याशी हैं उनके घर के आसपास के क्षेत्र की गणना पहले शुरू हुई, क्योंकि पांचों विधानसभा को जोड़ करके अभी मैंने जो फीडबैक लिया है उस फीडबैक के आधार पर हम बहुत ज़्यादा अंतर में नहीं हैं। और पिछली बार जो हमें वोट मिले थे उसकी तुलना में थोड़ा कम हमारे प्रत्याशी को इस बार वोट मिले हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरा विश्वास है वोटों की गिनती पूरी होने के बाद विकास का कमल खिलेगा। आपका जो मार्जिन था, जो वोट का आपका रिकॉर्ड था, वहाँ तक नहीं टच कर पा रही बीजेपी। देखिए वहाँ सपा बसपा का जो गठजोड़ हुआ उससे का देखिए गठजोड़ का वोट तो कुछ ना कुछ निश्चित तौर से जाएगा, लेकिन उस मार्जिन को हम इसलिए छूने की बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो वोट का प्रतिशत रहा इस बार वह बहुत कम रहा, 38% वोट और 54% वोट, तो यह जो वोट कम पड़ा है तो उसका भी असर पड़ता है। और जो भाजपा मानसिकता के मतदाता होते हैं वो थोड़ा सा निकलते भी कम हैं, शहर उत्तरी पूरी तरह से भाजपा का है लेकिन वहाँ पे कुल लगभग 22% वोट हुआ है, तो इसका थोड़ा सा असर होता है, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और विकास के मुद्दे पर जीतेंगे, सुशासन के मुद्दे पर जीतेंगे। सपा बसपा का गठबंधन भाजपा का विजय रथ नहीं रोक पाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद जी। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा और बसपा का गठबंधन भाजपा का विजय रथ नहीं रोक पाएगा। इस पूरे बयान में, इस पूरे कथन में ये वो कह रहे हैं कि हम पीछे चल रहे हैं दूसरे दौर के बाद, वो स्वीकार कर रहे हैं।
वो ये भी कह रहे हैं मिश्रा जी कि कुछ वोट जो है उनके उम्मीदवार को कम मिले हैं, लेकिन जीत अंततः उन्हीं की होगी। नहीं देखिए अतुल जी, मैं आपको बता दूं, अभी 11 तारीख को केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े कॉन्फिडेंट थे और उनका नारा था कि 60 हमारा है बाकी सब में बंटवारा है। आज उनका देखने से लग रहा है कि शायद बॉडी लैंग्वेज डाउन है। नहीं नहीं, 30 हमारा है बाकी सब विपक्ष का है, कुछ इस तरीके से कंक्लूजन निकाल लीजिए। वो काइनेसिस अगर आप उनकी बॉडी की देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज की, तो सीधे सीधे पता चल रहा है। उसी दिन हम लोगों ने आपके इस पे ही जो है ये पूरी एनालिसिस की थी, डायनामिक्स की, डाटा की, और ये हवा हवाई कॉन्फिडेंस की नहीं। लास्ट वोट काउंटिंग तक भी, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी नेता लोग ये बोलेंगे कि जी हम ही जीते हैं किसी न किसी पैरामीटर पे। तो ये इनकी राजनीतिक मजबूरी होती है। नेचुरल वे में सारे भावनाओं से, फीलिंग से आप इतर होकर के देखिए, कोई इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, रेशनल डिसीजन लीजिए। फूलपुर अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स सीट है सर, मैं आपको बता दूं। अगर ये बोलते हैं कि अतीक अहमद जी काटेंगे, अगर गणित ये है, तो मनीष मिश्रा भी तो बीजेपी के वोट बैंक हिंदू और सवर्ण है, ब्राह्मण ठाकुर है, तो मनीष मिश्रा जी भी चाहे वो 10,000 4,000 वोट ही क्यों ना पाए, वो भी तो काटेंगे ना। तो यहाँ पे भी तो चेक एंड बैलेंस हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को आप देखिए, ये 4-5 एंगल से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स लड़ाई है, और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि समाजवादी पार्टी जीते या कोई भी जीते, तो मार्जिन इतना कम होगा ना कि सारी पार्टियों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमारी जमीन खिसक रही है। जी, हमारी जमीन खिसक रही है। एक वो है ना शेर कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन तक नहीं, लेकिन हैरत है कि तुम्हें खबर थी नहीं। वही वाली बात है, वही वाली बात हो रही है। मिश्रा जी, आपको आपके पैरों के तले जमीन है, खिसकी तो नहीं है अभी तक? लखनऊ वाले मिश्रा, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल अतुल जी अभी तो रुझान देख ही रहे। अतुल जी निश्चित आप देख लीजिएगा, हम लोग ने पूरा पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने जा रही है। अच्छा बताइए, अगर फूलपुर हार गए, डिबेट में से अगर फूलपुर हार गए, तो योगी जी के सामने जो केशव प्रसाद मौर्य आप पीछे से ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं, वो करने का काम बंद हो जाएगा, एकदम जमीन दोज हो जाएंगे, योगी जी का आगे नतमस्तक हो जाएंगे। अतुल जी एक चीज आपको बता दे, ये जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और निश्चित ये जोड़ी बहुत आगे उत्तर प्रदेश को ले जाने वाली है, और निश्चित उत्तर प्रदेश की बढ़िया जोड़ी ले जाने वाली है। और निश्चित पहले भी आपने देखा था लोकसभा वाली भी सीटों में ये जोड़ी ले गई थी, और विधान और जिस तरह से पहली जोड़ी थी आपने देखा है, सारे चुनाव में आपने डिबेट भी किया, जिस तरह से ये जोड़ी चली है, और सच में राम लक्ष्मण की जोड़ी है। निश्चित ये देखिएगा, दोनों जोड़ी सफलता लेके आएगी। अच्छा ये बताओ, आप लोग इतने अच्छे थे, जो शब्द हैं, जो जुमले हैं, ये कहां से लेकर आते हो? रात के सोचने, सोने के पहले सोचते हो, लिखते हो कि सुबह क्या बोलना है, या ये स्वतः निकलता है? देखिए स्वतः निकलना भी चाहिए, क्योंकि ये जोड़ी अच्छी है। इसने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अभी इन्वेस्टर मीट हुई थी, दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी काम कर रही थी, और जोड़ी ने दिखाया जिस तरह से जोड़ी काम कर रही थी, निश्चित सफलता है। नगर निगम के चुनाव, सतीश महाना, नगर निगम के चुनाव में भी दोनों लोग, भैया सतीश महाना, अनूप चंद पांडे, आलोक सिन्हा, संतोष यादव है, और बाकी जो तमाम उद्योग बंधु के लोग वो क्या कर रहे थे, घुइया छिल रहे थे, सब सारा काम राम लक्ष्मण ने कर दिया। देखिए बिल्कुल उन लोग ने किया, लेकिन ये चीज, ये जोड़ी है, जोड़ी निश्चित ये सफलता लेगी, और जहां जा गई है बिल्कुल, ये देखिए इन लोग की कर्म भूमि की सीट है, और निश्चित ये कर्म भूमि पे सफलता निश्चित मिलेगी। जी, आपके पास, आपकी अपील में भी जो है ना ये उत्साह ज्यादा, विश्वास कम है, क्यों जैन साहब, सही कह रहा हूं? जैन साहब आवाज आ रही है? आवाज बहुत कटकट के आ रही है, कटकट के आ रही है, डिजिटल इंडिया है सर, क्या करें बताओ आप। हेलो जी, डिजिटल इंडिया है हम कह रहे हैं, कटकट के आ रही है तो क्या करें बताओ, डिजिटल इंडिया है। चलो आप अपनी आवाज सही करो भाई, इनकी आवाज सही की जाए। जी मिश्रा जी, जी नोएडा वाले मिश्रा जी, मुझे बताइए ये मतलब, अगर यहां से फूलपुर अगर हारे तो केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर एक बड़ा सवाल लगेगा बॉस, नहीं ये और बीजेपी में ये मान लिया जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी कहना, अभी गोरखपुर में थे तो कहते थे कि गोरखपुर में रहना है तो योगी कहना है, अभी हो जाएगा अगर सरकार में रहना है तो फिर योगी कहना है, अंदर खाने बात मत करो वरना निपटा दिए जाओगे। नहीं देखिए, मैं आपको एक फर्क बता दूं, योगी जी और मिल रही आवाज मिल रही, योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के इंडिविजुअल
पॉलिटिकल कैपेबिलिटी में फर्क क्या है। हाँ। योगी जी की शुरुआत जो हिंदू महासभा से हुई थी, उनके जो गुरु जी थे, हाँ, उन्होंने अपने दम पे ये सारी चीजें डेवलप की हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को अगर आप देखिए तो पार्टी की जो इमेज है, पार्टी की जो इफर्ट्स होते हैं, उसके कारण उनको जो गेन हुआ है वो ज्यादा है। तो अगर इंडिविजुअली देखेंगे, वन टू वन और एपल टू एपल कंपैरिजन करेंगे, तो योगी जी डेफिनेटली ज्यादा बेहतर पॉलिटिशियंस हैं और अपनी फील्ड में, अपने एरिया में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। और इसी के कारण देखिए, लहर किसी की भी हो, हर बार वो जीत रहे हैं। जब आपकी अपनी इंडिविजुअल पकड़ बहुत अच्छी नहीं होती है तो लहर में आप बह जाते हैं। ये जो है, मतलब मैसेज जो है आपको कहीं ना कहीं फूलपुर में देखने को मिल रहा है। और आपने जो अभी बोला कि अगर ये फूलपुर हारते हैं तो डेफिनेटली और डेफिनेटली ये वहां की जो लोकल बॉडीज हैं, मौर्य जी हो गए या उनके नीचे जो ये पटेल जी जो लड़ रहे हैं, उनके उनके जो है कैपेबिलिटीज पे, पॉलिटिकल दक्षता पे, राजनीतिक दक्षता पे एक प्रश्न चिन्ह रहेगा। एक और खबर आ रही है गोरखपुर से। गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, योगी जी के बड़े करीबी हैं, राजीव रौतेला साहब ने मीडिया कर्मियों को मतगणना स्थल के भीतर जाने से रोक दिया है। हालांकि गोरखपुर में बीजेपी 5000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है, लेकिन मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है भीतर जाने से। अब अंदर क्या हो रहा नहीं हो रहा, राम जाने। मीडिया कर्मियों को जाने से रोका गया है, डीएम साहब ने क्यों रोका, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है राजीव रौतेला, जो योगी जी के करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने मीडिया कर्मियों को मतगणना स्थल के भीतर जाकर मुआयना मौका करने से रोका है। ये सरासर गलत प्रैक्टिस है। डीएम साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा किया। आखिरकार क्या वजह है कि आप मीडिया कर्मियों से चीजें छुपा रहे हैं? और ये तब है जब आप ट्रांसपेरेंसी की बात करती है आपकी सरकार, जब भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करती है आपकी सरकार, डिजिटलीकरण की बात करती है आपकी सरकार, तो फिर मीडिया कर्मियों को क्यों रोका गया? ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, एक बड़ा समाचार है। और इसी बीच मतगणना स्थल के भीतर मीडिया कर्मियों ने ऐतराज जताया है कि आखिरकार उन्हें भीतर जाने से रोका क्यों जा रहा है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। डीएम साहब, आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो भैया हम पत्रकारों को भी अपना काम करने दो, मालिक हमारी नौकरी काहे खा रहे हो। तो डीएम साहब ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ लोग, मीडिया कर्मियों को अपना काम करने से रोका है, और मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह बड़ी खबर है। इस वक्त जरा हम ये दिखाना चाहते हैं, हमारे सहयोगी से गुजारिश है कि जरा ताजा अपडेट दिखाइए भाई, कि किस राउंड के बाद किसको कितने वोट मिले हैं, कितना कौन आगे चल रहा है, कितना कौन पीछे चल रहा है, ये वाला जरा ग्राफिक चलाइए। अविनाश तिवारी, संदीप गुप्ता, ये वाला ग्राफिक आपके पास चलाइए इसको जी। कौन कितना आगे है ये जरूरी है समझना फिलहाल अभी। तो गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला ने मतगणना स्थल के भीतर पत्रकारों के जाने पर रोक लगा दी है। और जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है वो ये कि फूलपुर में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त है वो घटी है। समाजवादी पार्टी को 22,480 और बीजेपी को 21,402, यानी तकरीबन कितना 1,078 वोटों की जो है बढ़त है वो समाजवादी पार्टी के पास है फिलहाल अभी। और ये संकेत बहुत साफ है कि जो बढ़त है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच में जो अंतर है वो अंतर अब और कम होता जा रहा है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जो ट्रेल है उस ट्रेल को कवर अप करने में में जुटे हुए हैं। एक मिश्रा जी, जी जी एक मिनट रुकिए। गोरखपुर में चौथे राउंड की मतगणना में बीजेपी को बढ़त मिली है। उपेंद्र दत्त शुक्ला 5000 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं, ये खबर है। तो गोरखपुर में बीजेपी और फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 1-1 से जो मुकाबला है वो टाई अभी नजर आ रहा है। गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनावों में मतगणना जारी है और गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी और फूलपुर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहा है। ये आंकड़े बदल नहीं रहे हैं, या तो आंकड़े आ नहीं रहे हैं, या आ रहे हैं तो बदले नहीं जा रहे हैं। जरा भाई देखिए इनको, ये आंकड़े बदल नहीं रहे हैं जी। इन आंकड़ों को अपडेट कीजिए और ये देखिए, ये अपडेटेड आंकड़ा आया है कि फूलपुर में 2400 वोटों से
नागेंद्र सिंह पटेल वो आगे चल रहे हैं और गोरखपुर में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी जैन साहब, ये जो रुझान है, ये रुझान से भी क्या समझ में आ रहा है जी? एक एक का मुकाबला होगा क्या? गोरखपुर आप हारेंगे, फूलपुर जीतेंगे? नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से जनता ने समर्थन दिया है, हाँ। आप देखिए अखिलेश यादव जी की रैली में किस तरीके से वहां पे भीड़ थी, और जहां पे अखिलेश यादव जी की रैली में लाखों की भीड़ होती है, वहां पे योगी जी की मीटिंग में, योगी जी की रैली में 8-10 हजार की भीड़ होती है। तो जनता का जो समर्थन है वो तो समाजवादी पार्टी के साथ में है, और अभी रुझान आ रहे हैं, अभी कुछ कहना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बहन मायावती जी को क्या क्या कुछ नहीं कहा, सुप्रका तक कह दिया। तो वहां का जो दलित वोटर है, दलित वोटर वोट दे करके उनके अपमान का बदला लेने के लिए सुप्रका है नहीं, अरे और कहा नहीं है सर, कहा नहीं है, वो समझा गया है। उन्होंने कहा कि रामायण में ही ऐसी हंसी उसके बाद हमने आज देखी पहली बार। अब आप सुप्रका समझो, अब आप ताड़का समझो, अब आप कोई और समझो, वो सर आपकी समझ की बात है। उन्होंने मुखर थ्रू किया कोई शब्द मोदी जी ने? नहीं नहीं, देखिए देखिए, इनके नंद गोपाल नंदी ने बहुत कुछ अनाप शनाप कहा, और अगर राजसों की तुलना वर्तमान के राजनीतिक लोगों से की जाएगी, क्या इसको अच्छा कहेंगे? सर सर लगता गेस्ट हाउस कांड भूल गए आप, गेस्ट हाउस कांड के राक्षस कौन थे? गेस्ट हाउस कांड के राक्षस कौन थे? ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने उसपे खूब तर्क उतर्क दिए, ये उनका डर और भय था। तो मायावती जी को समझ नहीं आता कि काम बीजेपी ने किया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी कौन थे? ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया मायावती जी को? तमाम सारी चीजें राजनीति में करवट लेती है, बदलती है, और किसी का अगर कहीं पे कोई पर्सनल इंटेंशन होता है उसको बुलाया भी जाता है। बेरी प्रसाद यादव जी ने माननीय नेताजी को, मुलायम सिंह यादव जी को क्या क्या कुछ नहीं कहा, और उसके बाद में वो समाजवादी पार्टी में आए। कल्याण सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को क्या क्या कुछ नहीं कहा, शराबी कबाबी क्या क्या कुछ नहीं कहा, और उसके बाद वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए, वापस वो फिर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे। तो किसका क्या रहा ये अलग चीजें हैं, लेकिन किसी को इस तरीके से तुलना करना कि उसको सुपनका कह देना और कुंभकर्ण कह देना, मेघनाथ कह देना, ये अच्छी परंपरा नहीं है। और इसका टीवी पे डिबेट हो रही अलग बात, हम आप क्या राय रख रहे हैं, लेकिन जनता के मन में, जनता के दिल पे ऐसे वक्तव्यों की गहरी ठेस पहुंची है, और जनता कतई जो है ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि उसकी नेता को कोई सुपनखा कहे। नहीं तो तिलक तराजू और तलवार वाला वो मुहावरा है सर, उसके बारे में क्या है आपको? पूरा कैंडिडेट को नहीं, तिलक तराजू और तलवार जो आपकी पार्टी ने बोला था, समाजवादी पार्टी के समर्थित कैंडिडेट को जनता ने वोट किया है, और बहुत प्रयास किया गया है, शासन प्रशासन का, सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया गया है, वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, रोका गया, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। और इससे बड़ी जीत और क्या होगी समाजवादी पार्टी की? अच्छा एक बात, जनता की क्या होगी? और ये जीत जनता की जीत है, जैन समाजवादी पार्टी के लिए जनता की जीत है। जैन साहब वो तो ठीक बात है, लेकिन जब बहन जी ने शुरुआती दौर में कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, जब ये नारा मुखरित किया गया था तब आपको भी मिर्चा लगा था और मैं भी बनिया हूं, मुझे भी बुरा लगा था। तिलक तराजू और तलवार, यानी आपने ब्राह्मण बनिया ठाकुर तीनों को चार चार जूते मारने की बात कह दी, और फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग से सतीश चंद्र मिश्रा को बगल गिर करके आप सरकार बनाती हैं, और फिर आप हमको उनकी तरफ से ज्ञान देते हो। वो लोग जो जिनके ऊपर गेस्ट हाउस कांड का आरोप लगा, 25 साल की दोस्ती जो है एक फूलपुर और गोरखपुर सीट जीतने के नाम पर खत्म हो गई दुश्मनी, आप लोग साथ आ गए और अब आप बहन जी के नारे लगा रहे हो भाई साहब, इसे सत्ता लोलुपता कहते हैं, देखिए इसे अवसरवादिता कहते हैं। पहली बात तो ये कि देखिए अतुल जी, कि ये कहना कि नहीं इसलिए आ गए साथ में, देखिए उत्तर प्रदेश और देश की जो स्थितियां हैं, हाँ, और सीरिया बन गया भारत देश, पार्टियों को साथ भारत देश, सीरिया अफगानिस्तान बन गया भारत देश, जम्मू कश्मीर में 4,000 पत्थरबाजों को किसने छोड़ा?
वहाँ भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार है ना। आप भी कहते हैं कि भाजपा की वहाँ पे सरकार है, जम्मू कश्मीर में सारे प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, सारे लोग कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है। अगर वहाँ पे पीडीपी के साथ समर्थन है और 4000 पत्थरबाजों को छोड़ा जा रहा है, इसको अच्छा कहेंगे? सैनिकों पे हमला करने वालों को छोड़ा जा रहा है वहाँ पे? हाँ ठीक है, सैनिक हमारे किसी काम के नहीं। मुलायम सिंह यादव से कहे कि कार सेवकों पे मैंने गोलियां चलवाई और आगे चलवाऊंगा तब ठीक है, तब ठीक है। नहीं तो अगर अगर कोई अगर नहीं तो आप क्या चाहते थे, वहां और हिंसा होने दिया जाए? मुसलमान मुसलमान का गाना गाने वाले आप लोग, हर सरकार में धर्म निरपेक्ष की बात मत कीजिए अतुल जी। हर सरकार में, हर सरकार ने गोलियां चलवाई है। आप एक सरकार को बताइए जिसने गोलियां नहीं चलवाई? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए गोलियां किसने नहीं चलवाई, आप बताइए? एक सरकार, कांग्रेस ने, बीएसपी ने, भाजपा ने, किसने गोलियां नहीं चलवाई? स्टेटों में जाके देख लीजिए। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप जो सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए पत्थरबाजों को छोड़ा गया है तो किसी न किसी तरीके से शांतिपूर्वक प्रयास करने के लिए वहां पे भी लोकतंत्र है, तो इन सब चीजों को देख करके बीजेपी ने किया, गोलियां चलवाई गई। आप मुझे ये बताइए, आपकी जो पार्टी है, आपके पार्टी के मुखिया खुद यदुवंशी हैं, आप खुद उनके आदर्शों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप केवल बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए आपने गोलियां चलवा दी, हजारों लाखों लोगों को मरवा दिया, क्या कोई और तरीका नहीं था वहां पे? और उसके बाद वो बड़े गर्व के साथ वो ये बोलते हैं कि हाँ जी हमने किया, हम हिंदुओं का हत्यारा। मुलायम सिंह जी ने मंच से ये बात कही कि लोग मुझे हिंदुओं का हत्यारा कहते थे, मैं और गोलियां चलवाता, फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाते क्यों घूम रहे हो आप लोग? अब शरण में आपको उन्हीं के पास जाना पड़ रहा है। अरे अतुल जी, जी यही तो मुद्दा है। हाँ। मुद्दा यही है। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को कैश कर रही है। अरे हाँ। आप क्यों नहीं कर रहे हो सर, की कैश कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपको मना किया है क्या? सुन लीजिए, जब भी कोई चुनाव होता है, नहीं नहीं सुन लीजिए आप प्लीज, सर आप भी शरण में जाइए ना, किसने मना किया है? देखिए अतुल जी, जवाब भी सुन लीजिए। हाँ, जवाब भी सुन लीजिए, बताइए बताइए जैन साहब बताइए। आप चाहते हैं यही कि केवल राजनीति, भावनाओं पे केवल राजनीति हो, तो और क्या कर रहे हैं सर? सारी पार्टियां क्या कर रही है? सारी पार्टियां यही तो कर रही है, मनोभावों से खेल रही है। मौलाना मुलायम सिंह यादव कौन है? मौलाना मुलायम सिंह यादव कौन है? ऊंची टोपी लगा के, पटका पहन के और इफ्तार पार्टी करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? नौ दुर्गों की पार्टी तो नहीं दी कभी आपने, कभी आपने व्रत और फलाहार की पार्टी तो नहीं दी? देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के लाल किले की प्राचीर से कहते हैं देश की संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, क्यों है? क्यों है? हिंदू नागरिक नहीं है इस देश के? देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज आप कर रहे हैं यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ। कि जनता की भावनाओं को उद्वेलित करके केवल वोट लेना। अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहन बेटियों को आप पकड़वाते रहिए, उस पे कोई दिक्कत नहीं, चर्चा नहीं हुई, विरोध करेंगे तो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी के वजह से केवल, तो गोरखपुर में चुनाव उस पे होना चाहिए था। हाँ। कि वहां की क्या स्थितियां हैं, उस पे चुनाव नहीं हुआ। बात कर, चुनाव किस पे हो रहा है, चुनाव में क्या चीजें आई कि बहन भाईवती सुप्रखा है? नहीं नहीं सर, आपको किसी ने रोका था? सर यही तो सवाल है, सर यही सवाल है। सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष, सबसे बड़े विकास करने वाले आप है, सुपड़ा हर जगह आपका साफ होता जा रहा है। भाई पब्लिक को समझाइए ना जाके कि हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे धार्मिक हैं, आप क्यों नहीं वहां समझा पा रहे हैं? टीवी पे आके आप रोते रहेंगे कि जी देखो जी हमें ये हो गया, उन्होंने ये कर दिया। अरे इसका कोई सलूशन निकालिए, आप जीतिए चुनाव। देखिए पब्लिक ने एक बार अवसर दिया। हाँ। पब्लिक ने एक बार अवसर दिया और इनके झूठे वादों पर अवसर दिया, और जो बातें हो रही ना इन्हीं बातों पे पब्लिक ने इनको एक बार वोट दिया। लेकिन बार बार पब्लिक को ये गुमराह नहीं कर सकते हैं कि केवल आप नहीं कर सकते हो सर, वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, तभी आप लोग हार गए यूपी का इलेक्शन। सारी पार्टियां वो आप लोग सोचिए कि दीपावली बनाने से विकास नहीं हो जाता है क्या? करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर देने से विकास नहीं हो जाता है? जनता के पेट में आराम नहीं चला जाता है इसलिए नाम पे इससे विकास होता है। चाचा शिवपाल मुर्दाबाद से विकास होता है। नहीं नहीं, विकास कैसे होता है सर बताइए जरा। पार्टी का अंदरूनी मामला है ये, ले अब ले नहीं नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश के बनेंगे, पार्टी के बारे में बात होगी तो अंदरूनी मामला है,
पहले आप तय कर लो घर का क्या बाहर का क्या, और अगर घर का था तो सड़कों पर मुर्दा और किस तरीके से रेप बलात्कार गुंडागर्दी हो रही लगातार सरकार, और जिसको बांटने को कह रहे हैं फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, बच्चे तक मर रहे हैं फर्जी इनकाउंटर में। आपकी सरकार में कभी रेप और बलात्कार नहीं हुए, आपकी सरकार अखिलेश यादव की जो सरकार थी कर रहे हैं, भूल गए। यूपी उत्तर प्रदेश था, दूध दही की नदियां बहती थी, उसका बदला ले रहे हैं। मुद्दा ही नहीं था उनके लिए रेप बलात्कार, उनके पर अखिलेश की सरकार होती है, हो जाती थी वो बाय डिफॉल्ट से ले रहे हैं। आप चाहते हैं मुलायम सिंह जी कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वही लड़के बलात्कार करते थे, वही लड़कों ने मुजफ्फरनगर दंगा कराया, आजम खान छुड़ाने गया था उनको, फोन करते थे। नहीं नहीं वो तो सर आजम खान की भैंस वहां पे गायब हो गई तो पूरा प्रशासन लग गया था, वो असली विकास है। अतुल जी हाँ, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई उन सारे मुद्दों पे फेलियर साबित हो रही है। हाँ, ये गड्ढे तक नहीं पाट पाए, विकास क्या करेंगे? हाँ, काम क्या करेंगे ये? हाँ, और जो कुछ हमने दिया था इनको बना बनाया उसको भी ये सहज के नहीं रख पा रहे। अभी देखिए एम्बुलेंस नहीं मिली, बना बनाया दिया था तो सरकार से क्यों चले गए? सिर के नीचे कटा हुआ पैर रखा जाता है, कहते हैं शराब माफियाओं को हमने जेल भेज दिया, और अभी देखिए जहरीली शराब पीने से कितने लोग मरे, अभी दो दिन के पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है। तो कथनी और कड्डी में अंतर है ना, कहीं कुछ रहे हो कुछ रहा है सर, ये चीज पब्लिक को आप लोग क्यों नहीं समझा पाते हैं इलेक्शन में? यही चीज पब्लिक को तो भाई मैं बोलता हूँ, चलिए बीजेपी में लाख कमियां हैं, सारी पार्टियों में है, बीजेपी में ज्यादा है, साथ दीजिए ना उसमें। सर पब्लिक क्यों नहीं कन्विंस कर पाते हैं उसमें? एक अपडेट दिलाते हैं, एक अपडेट, हम किसी का साथ नहीं देंगे, एक अपडेट दीजिए, हम किसी का साथ नहीं देंगे, हमारे लिए आप साथ दे रहे हैं, हम इमोशनल नहीं, हम केवल रेशनल एनालिसिस करेंगे। एक अपडेट करते हैं, एक अपडेट देते हैं, फिर फेसबुक पे सुबह से हमारी तारीफ कर रहे थे लोग जब हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग, यादव समुदाय के लोग खूब तारीफ कर रहे थे, हमको कंधे बिठाए थे अपने, अभी सब गरिया रहे हैं, देखो कितनी माँ बहन गाली बक रहे हैं, ये देखिए आप, ओ हो फेसबुक पे अचानक से कमेंट देने वालों की बाढ़ आ गई, 40 लाख से बढ़कर आंकड़ा 41 लाख पहुंच गया जो हमको देख रहे हैं और गरिया रहे हैं, देखिए आप, ये पत्रकार चोर है, बीजेपी का भड़वा है, और नीचे दलाल है, देखिए 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 गोदी मीडिया, अतुल बीजेपी के एजेंट नहीं करते हैं, नहीं देखिए देखिए देखिए, नहीं नहीं, अरे भाई ये सब लोग जो लिख रहे हैं ना, सुनिए सुनिए, ये सब जो लिख रहे हैं समर्थन नहीं करते, ये सब जो लिख रहे हैं लोग, इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये वही लोग हैं जो अभी एक घंटे पहले हमको देश का सबसे बड़ा पत्रकार बता रहे थे और अभी गरिया रहे हैं। दिक्कत यही लोग हैं देश की, नहीं ये ओछी मानसिकता के मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए बीजेपी और मोदी का विरोध करते हैं। मुस्लिम समुदाय के जो कुछ एक लोग हैं भटके हुए, ये धूर्त लोग, ये अपने आप को देशभक्त बताने के लिए मोदी का और बीजेपी का विरोध करते हैं। मैं तो मुद्दों पर बात करना चाहता हूं कि मुद्दों पर बात करिए ना, मुद्दों पर बात करने की हैसियत किसी की नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, हाँ, जिसको ये अलगाववादी पार्टी कहते थे, उसके साथ सरकार, हाँ, बनाते हैं, हाँ, और 4000 पत्थरबाजों को छोड़ देते हैं, हाँ, ये कैसी पार्टी है? हाँ, ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये सैनिकों के हित की पार्टी है कि सैनिकों का चाहते हैं कि सैनिकों को पत्थर मार मार के उनका कत्लेआम कर दिया जाए, ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्यों छोड़ दिया गया 4000 लोगों को? और अगर इनकी वहां पे मिली जुली सरकार है, इनको उसका विरोध करना चाहिए, इन्हें समर्थन वापस लेना चाहिए, ठीक है, एक दोबारा एक अपडेट का वक्त हो गया, उसके बाद ब्रेक लेंगे। जरा गोरखपुर और फूलपुर की ताजा स्थिति दिखाइए भाई, अच्छी बात, ज्ञान की गंगा बहुत बह गई जी। गोरखपुर और फूलपुर की स्थिति क्या है? गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। फूलपुर सीट पर नागेंद्र पटेल 3607 वोटों से आगे चल रहे हैं, 3607 वोटों से नागेंद्र पटेल आगे। सपा बसपा के जो उम्मीदवार हैं फूलपुर में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि गोरखपुर में ये देखिए नागेंद्र सिंह पटेल को 43,549 वोट मिले हैं फूलपुर में, और गोरखपुर में बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला आगे चल रहे हैं, उपेंद्र शुक्ला को 5000 वोटों से आगे चल रही है। कुछ आंकड़े में गड़बड़ है, ये आंकड़ा फिक्स हुआ पड़ा है, अपडेट नहीं हो रहा है आंकड़ा, क्या नहीं भाई आप इसमें भी अपडेट कराइए, इसको आंकड़े को अपडेट कराइए, आंकड़े को अपडेट कराइए।
ये 5000 से बढ़त जो है ये काफी देर से चल रही है, क्या इसके आगे कुछ हुआ नहीं है? ये जरा चेक कराइए भाई, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। हाँ हाँ मुझे पता है बीजेपी वालों की डिमांड बहुत है। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। केसी जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं स्टूडियोज में, गर्मा गर्म मुद्दों पर हम अपने पूरी ईमानदारी से चर्चा करते हैं पूरी गर्माहट के साथ, लेकिन उसके बाद जब जाते हैं तो स्माइल करके जाते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये हिंदी खबर के स्टूडियोज की और हमारी संपादकीय टीम की खूबसूरती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं। जीते कोई भी, लेकिन वो जीत जनता जनार्दन की होनी चाहिए। धरातल पर विकास होना चाहिए, जुमलों की बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जुमले नहीं, काम करके जीत हासिल करें, काम करके दिखाना चाहिए, वो आप हो, हम हो या दूसरे दल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जो कहूंगा सच कहूंगा। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं।